कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने इसका कुछ काम शाम किया था घर में, और इसका जो टायर है वो हमने अभी तक नहीं ढूंढा है, तो हमने इसका एक टायर ढूंढना है वो बाद की बात है। लेकिन आज का जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ आज का क्या काम है। तो यार आज हमने इसके करवाने हैं ये दोनों अगले दरवाजे सेट, और क्योंकि ये जो दरवाजे हैं ये खड़कते बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको इनकी आवाज़ चेक करवाता हूँ। ये देखें ये और वो वाला तो कुछ ज़्यादा ही है। हाईवे पे जा रहे हो तो ये अंदर से ही बड़े बुरी आवाज़ें आती हैं इनकी के अंदर से। सो इसकी एक और चीज़ है वो भी बहुत ज़्यादा खड़कती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसका तो छोटा सा काम है लेकिन उसकी नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। ये आप देख सकते हैं, इसको हमें सेट करवाना है। ये भी बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग नॉइज़ पैदा करती है। सो आज हमने ये करवाना है, इसके लिए हम वर्कशॉप जा रहे हैं। सो हमारे साथ रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भाई को इंस्टा पर फॉलो लाजमी करें। यहाँ पे नीचे नेम आ रहा होगा इंस्टा का। सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्लॉग। तो यार जो टायर का मसला है वो मैंने यहाँ से बहुत जगह से पता किया है। यहाँ से इसकी जो प्रोफाइल है ये वाली ये मिल नहीं रही यूज़ के अंदर, और जो मिल रही है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो मैंने सोचा कि अगर लाहौर चक्कर लगा तो वहाँ से ही ले आएंगे, यहाँ से कोई फ़ायदा ही नहीं इतना महंगा डाल के, और पता नहीं वो कैसा लगेगा। वो हैवी यानी से थोड़ी सी मोटी प्रोफाइल है, वो अच्छी नहीं लगेगी इस गाड़ी पर। सो लाहौर चक्कर लगेगा, वहाँ से ले आएंगे। इसके दरवाज़ों का ये जो काम करवाना ये क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो लगा दूंगा। मोटर पे मैं गया, इसके दरवाजे इस तरह खड़कते हैं जैसे ये अभी उतर के गिर जाने हैं दरवाजे। सो इसलिए इनका काम करवाना ज़रूरी है। इसके शायद लॉक्स या इसके पिन वगैरह का जो भी मसला होगा वो देखेंगे, और उसके बाद इसका मेरे ख्याल से टायर ढूंढेंगे अगर फिर मिल गया। अभी मैं तकरीबन कोई एक हफ्ता हो गया है जो पहले ब्लॉग डाला था, तब कोई चांसेस नहीं थे। अब देखेंगे क्या क्या मिलता है या नहीं मिलता। तो यार उन्होंने चेक वगैरह कर लिया, और अब इसके ये दरवाजे और अगले ये फेंडर वगैरह खोलने लगे हैं। सो अब देखते हैं क्या बनता है, किस चीज़ का काम निकलता है और किस चीज़ का नहीं। सो बाय द वे मुझे एक और चीज़ पता चली है कि इसके यहाँ से स्पेस है, यहाँ से अंदर हवा भी जाती है। मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये यहाँ से इसके अंदर यहाँ स्पेस है, यहाँ से हवा भी आती है और पानी भी आता है। सो इसको भी हमने ठीक करना है, उन्होंने करना है। मैं तो बस वैसे बैठ के अपना कंटेंट शूट करूँगा या देखूँगा इनको सुकून से बैठ के। सो अब वेट कर रहे हैं कब कोई लड़का फ्री हो और इसके दरवाजे वगैरह खोले और काम वगैरह स्टार्ट हो। तो यार ये हॉर्न के रिले भी ले लिए, ये मेरी पुरानी है खड़ी हुई है, ये नहीं ली है। और अब ये लगा के जाके चेक करते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं बनता। कुछ छोटा मोटा सामान लेने के लिए बाहर निकले हैं। एक तो हमने लेने हैं ये वाले लॉक्स, ये जो दरवाज़ों के होते हैं, और एक हमने लेने हैं मड फ्लैप्स लेने हैं चारों साइडों के। तो वो देखते हैं इसके कोरे के यहाँ मिलते हैं या आगे से जाके लेके आने पड़ेंगे। तो मड फ्लैप्स लेने और एक ये चीज़ लेनी है। अभी हॉर्न चल गया है, हॉर्न चल गया, मैंने इसके रिले लगा दी। तो बाकी अब देखते हैं, काम शाम चल रहा है साथ साथ ही। आज संडे है, सुबह के टाइम आ गए थे तो रश कम था, इस वजह से काम जल्दी हो जाएगा। सो होप सो जल्दी हो जाए, काम वगैरह ख़त्म करके चलें घर। हाजी रोटी गया था, मैट वगैरह की फिटिंग हो रही है। सो वो फिटिंग होती है और उसके बाद दो छोटे मोटे और काम अगर करना। ये तो जो काम शाम हमारे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। मैं आपको घर पहुँच के एक दफ़ा सारा ओवरव्यू देता हूँ कि हमने क्या क्या काम करवाया है।
तो एक सबसे बड़ा मसला एक बात होनी है घर जा कि मेरी कुत्तों वाली, क्योंकि मैं आज वर्कशॉप में था और मैं अपना ये चिट्टा सूट पहन के वर्कशॉप आ गया। सो अब असल मसला तो ये वाला कि घर जाके अब क्या करना है बंदे ने, काला कूला ग्रीस क्रूस जो जो लग सकती थी मेरे कपड़ों को लग गया, और अब घर जाके पता नहीं अपने साथ क्या होता है। गाड़ी का जो मसला था वो तो था, और अब एक ये सबसे बड़ा मसला बन चुका है। तो अभी रास्ते में इसको देखते हैं कि कोई यानी इसके वो खड़कने की नॉइज़ वगैरह तो नहीं आती। सो मैं घर पहुंच के आपको इसका सारा ओवरव्यू देता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड भाई। काम शाम करवा के हम घर पहुंच चुके हैं और मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने क्या क्या काम करवाए हैं। सो मैं वर्कशॉप पे इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो समझ वहाँ पे आनी कोई नहीं थी। सो मैंने कहा एक दफ़ा प्रॉपरली घर पहुँच के आपको ओवरव्यू दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं आज हमने क्या क्या काम करवाए हैं। तो ये खड़ी है गाड़ी। सबसे पहले हमने इसके करवाए हैं दरवाज़े ठीक, इनके लॉक्स वगैरह में मसला था। अब ये इनकी आवाज़ वगैरह भी बेहतर हो गई है, ये इसकी यानी आवाज़ पहले आपने सुनी किस तरह खड़कती थी। और एक इसके यहाँ पे ट्रंक में इसके वो पेच वगैरह लगने वाले थे वो भी सही हो गया। सो दो काम तो हो गई है, और तीसरा काम कौन सा, तीसरा काम हमने लगवाए हैं इसके ये मड फ्लैप्स, ये चारों साइडों के। पहले एक साइड का पीछे वाला कल्टस का था और जो अगला था वो वैसे ही यानी टूटा फूटा पता नहीं कैसा था, बाकी दो साइड्स के थे ही नहीं, तो हमने ये मड फ्लैप्स लगवा लिए। और उसके बाद इसकी रिले, अच्छा रिले हॉर्न की रिले, वो एक इसकी पुरानी ये पड़ी है अंदर, ये पड़ी है इसकी पुरानी रिले। सो इसकी रिले चेंज हुई, और उसके बाद हमने इसका करवाया है हीटर चालू। पहले एसी चलता था यानी एसी बंद नहीं हुआ, पहले वो कहता कि इसका पाइप चेंज होगा, हो सकता है आपका एसी ना चले, लेकिन हमारा एसी चलता है, हीटर भी चलता है, लेकिन उसके लिए हमें बटन वाला सिस्टम नहीं अपने हाथ से जुगाड़ करना पड़ेगा कि वो किस तरह चलाना पड़ेगा और किस तरह बंद करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या जुगाड़ है। ये आप एक देख सकते हैं इसका ये जो बॉक्स है एयर वाला, ये इसका एक स्विच है, वैसे तो ये वायर के साथ कनेक्टेड होता है इसके साथ, लेकिन ये इसकी वायर पता नहीं किधर है। सो उन्होंने किया ये कि अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो ये इसका हीटर चलेगा, अगर इस तरह करेंगे तो इसका एसी चलेगा। सो इसके दो पाइप्स भी लगने वाले थे, वो पाइप्स भी इसके लगा दिए हैं, हीटर इसका चल गया, फ़ैन इसका ऑटो है। सो एसी मुझे लगता था कि नहीं चलेगा, लेकिन एसी भी चलता है, कोई बात नहीं, नो नीड ऑफ गैस चिल्ले एसी। अगर बंद भी हो जाए तो सर्दियों के लिए तो हमने फिर चालू करवा लेना था गर्मियों में, अगर ये गाड़ी हमारे पास होती तो, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं तो अब हमने क्या करना था एसी का, मौसम भी वैसा ही है। सो हमने इसका हीटर करवा लिया है चालू। सो उसके बाद जो हमने काम करवाया है इसका, एक ये डोर हैंडल ये वाला, ये नहीं था, एक इसका ये लगवाया। और उसके बाद मैं बताता हूँ एक मिनट, और हॉर्न इसका चल गया, वो मैंने आपको पहले बताया कि उसकी रिले लगा दी है, देख सकते हैं आप। सो अब हमने एक काम और करना है इसका, मैं आपको बताता हूँ क्या काम करना है। काम इसका यह करना है कि इसकी जो रिले लगी हुई है यहाँ पे, इसको हमने पैक करना है अच्छी तरह से ताकि बाद में फिर इसके अंदर पानी ना जाए। और ये थोड़ी सेट मेट लगाए अपनी जगह पर, इसको कर दें किसी जगह पर सेट ताकि इसके अंदर पानी ना जाए और दोबारा से ख़राब ना हो। और भाई सो इसको करते हैं, इसको सेव सेव कर देते हैं इसके ऊपर शॉपर चढ़ा के ताकि बाद में इसके अंदर पानी ना जाए। सो इसके अलावा और क्या काम करवाया है। अच्छा तो यार उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो जो जो काम मैंने करवाए हैं और जो किए हैं वो सब आपको बता दिए। सो इस तरह का गुजरता है हमारा कुछ संडे का दिन, गाड़ियों के कुछ काम शाम करवाने के अंदर हमें पूरे हफ्ते में जो टाइम नहीं मिलता वो काम हम करवा लेते हैं संडे वाले दिन। सो आज के जो काम थे वो हो चुके हैं। सो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। सो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।